झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता को लेकर कोई फैसला हो सकता है राज्यपाल के द्वारा। जी हां, क्योंकि राज्यपाल वापस आ चुके हैं। आप सभी को बता दें कि प्रदेश में जारी राजनीतिक संकट के बीच राज्यपाल रमेश बैस करीब एक हफ्ते के लिए दिल्ली दौरे पर चले गए थे, अब वो रांची लौट आए हैं। वैसे भी रवाना होने से पहले उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी के विधायकों को आश्वासन दिया था कि वे सीएम सोरेन की विधानसभा सदस्यता समाप्ति पर निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर जल्द अपना पक्ष स्पष्ट करेंगे। राजभवन में आधिकारिक सूत्र ने बताया कि राज्यपाल रांची लौट आए हैं, ऐसे में आज कोई आदेश जारी हो सकता है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में निर्वाचन आयोग ने सीएम हेमंत सोरेन की योग्यता संबंधी अपनी सिफारिश 25 अगस्त को ही राज्यपाल को भेज दी थी, लेकिन राज्यपाल ने तब से अब तक इस बारे में कोई जानकारी आदेश नहीं दिया है। उधर सीएम की विधायकी जाने को लेकर राज्य में राजनीतिक संकट पैदा हो गया है। सूत्रों के मुताबिक आयोग ने मुख्यमंत्री को विधायक के तौर पर अयोग्य घोषित करने की सिफारिश की है, इसीलिए राज्यपाल सभी कानूनी और राजनीतिक मुद्दों पर ढंग से विचार कर लेना चाहते हैं। जानकारी दे दें कि इस बीच सोमवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता गठबंधन सरकार ने विधानसभा में दोबारा विश्वास मत पेश किया और आसानी से इसे हासिल कर लिया। लेकिन इस बीच ट्विटर के जरिए हेमंत सोरेन ने कुछ बड़ी जानकारी साझा की है कि उन्होंने किस तरीके से हाल ही में कुछ बड़ी बैठकों में हिस्सा लिया और लगातार हेमंत सोरेन की विधायिका पर सवाल है, लेकिन वो फिर भी ट्विटर पर उन्होंने जो अपना ट्वीट पिन कर रखा है, जीते हैं हम शान से, विपक्ष जलते हैं हमारे काम से, लोकतंत्र जिंदाबाद। इसी के साथ साथ उन्होंने अनंत चतुर्दशी के शुभ अवसर पर सभी को अनेक अनेक शुभकामनाएं और जोहार दिया। तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने सेंट्रलाइज्ड डेटा सेंटर बनाने का निर्देश दिया। जी हाँ, सभी सरकारी विभागों और कार्यालयों को बने सेंट्रलाइज्ड डेटा सेंटर, ये हेमंत सोरेन ने मांग रखी है, क्योंकि उनकी जो बैठक हुई थी जिसको उन्होंने ट्वीट करके साझा किया था कि मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने जो कि जेएमएम के हैं, उन्होंने मंत्रालय में जेप आईटी की 10वीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक की अध्यक्षता की। जी हां, इस बैठक में शामिल हुए और कई बड़े कह सकते हैं अफसर भी शामिल थे, जिसमें यह फैसला लिया गया कि सेंट्रलाइज्ड डेटा सेंटर किया जाए सभी कार्यालयों का। ये एक बहुत बड़ा ऐलान है यहां पर हेमंत सोरेन का राज्यपाल के फैसले से पहले, जहां एक तरफ उनकी विधायिका पर आंच आई हुई है तो दूसरी तरफ लगातार अपने कामकाज के जरिए वो फैसले सुनाते नजर आ रहे हैं। और उन्होंने राज्यपाल के फैसले पर भी कहा था कि जो फैसला होगा उसको देखा जाएगा, और राज्य भवन के बाहर भी कह सकते हैं सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है, क्योंकि अगर हेमंत सोरेन के खिलाफ फैसला आता है, बसंत सोरेन के खिलाफ फैसला आता है, तो झारखंड में बवाल मचना तय है, ऐसे कई कयास लगाए जा रहे हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।